हाँ जी, बलवंत शैली सिंगमार, मैं भाजपा जिला से सह कोषाध्यक्ष हूँ। आज सरदार जयंती है, बहुत धूमधाम से हर भारतीय नागरिक मना रहे हैं। हाँ जी, पूरे भारतवर्ष में हमारे, देखिए पूरे देश के आज आइकन हैं, युवा के आइकन हैं और सुपरस्टार हैं। आज युवा जो प्रेरणा शहीद भगत सिंह से ले रहा है और पूरे आज पूरे देश में खुशी से उनका जन्मदिन पूरा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे भी सिरसा की जो बीजेपी की तरफ से पूरे जिले की जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, आकर सिरसा शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर पुष्प अर्पण करके उनकी श्रद्धांजलि मनाई है। और युवाओं को एक ये मैसेज भी देना चाहेंगे कि जो शहीद भगत सिंह जी की जो क्रांतिकारी जो सोच थी कि इंसानियत पर जब भी प्रभाव पड़े तो हमेशा तत्पर युवाओं को एक होकर उस प्रभावशाली से निकालना चाहिए, ताकि एक सामाजिक एक सोच जो उनकी थी, वो बहुत ही उनकी विचारधारा आज हमारे पास है और उसी विचारधारा पे जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी है, वह उनसे प्रेरणा लेके हमेशा हर किसी के समाज में और इंसान किसी भी इंसान पर प्रभाव अगर पड़ रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी और चाहे हमारी जो राज्य की सरकारें हैं, हमेशा तत्पर सेवा के लिए तैयार हैं। और आप देखिए कि हरियाणा सरकार ने भी अभी हाल ही चंडीगढ़ में जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी शहीद आजम के नाम से जो रख रहे हैं, भगत सिंह जी के नाम से, तो यह बहुत बड़ा एक उपलब्धि है सरकार की भी और सबको एक अच्छा मैसेज है। क्या नाम है? मैं करण बत्रा हूँ, मंडल अध्यक्ष सिरसा से भारतीय जनता पार्टी जी। आज शहीद भगत सिंह को याद किया जा रहा है, क्या? देखिए, आज हम जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इन शहीदों के कारण ही है। इन शहीदों की इतनी छोटी उम्र में कुर्बानियाँ जो दी गई हैं, इन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। आज अगर ये ना होते तो हम किसी अंग्रेज के घर या कहीं पता नहीं क्या कर रहे होते। आज इन्हीं के कारण हम स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहे हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आज हर एक युवा को शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, ये जो नारा भगत सिंह जी ने दिया था, इसका अनुसरण करना चाहिए आज के युवाओं को। मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।